आज और कल में हमें नवरस पूरा करना है। एक्टिंग की एक तरीके से बैकबोन है नवरस के अंदर है। नवरस इज कलर ऑफ लाइफ, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट इमोशंस ऑफ लाइफ। नवरस हर एक में हुआ करते हैं। इसके अंदर साधु से लेकर शैतान तक का हर एक में सब कुछ अवेलेबल है। बस फर्क इतना पड़ता है कि मेरे अंदर कोई रस प्रोमिनेंट है। उसी तरीके से नवरस में आपके अंदर सारे रस होते हैं। इनको एक बार मैं लाइन से बता देती हूँ। नंबर वन होता है श्रृंगार रस, जिनको रसों का राजा बोला जाता है। और श्रृंगार रस प्यार को दिखाता है, लव अफेक्शन। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोग लव अफेक्शन बोलते ही दिमाग में ये बात आ जाती है कि मेल फीमेल का ही प्यार इज प्यार, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लव का मतलब ये है कि अगर एक माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, एक बच्चा अपनी माँ से प्यार कर रहा है, दो दोस्तों के बीच का अफेक्शन है, दो भाई बहन के बीच का है, दैट इज ऑल्सो लव। भगवान के प्रति हमारा है, जिसको भक्ति बोला गया है, भक्ति रस, वो भी श्रृंगार का ही प्रकार है। वात्सल्य, भक्ति, ये जो रस भी हैं ये श्रृंगार रस के ही उपरसाज में आते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद है मुझे प्रकृति से प्यार है तो भी वो प्यार ही है, वो श्रृंगार ही है। इंग्लिश में उन लोगों ने क्या किया, रोमांटिसिज्म बोला गया उसको, रोमांटिक एरा। बट व्हाट वाज दैट रोमांटिक एरा? रोमांटिक एरा वाज नॉट ओनली अबाउट द लव बिटवीन टू मेल फीमेल और बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स, इट वाज लव विद द नेचर। अगर आप जॉन डन की पोएट्री उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उन्होंने प्रकृति से प्यार के बारे में बात की है, नेचर। ठीक है, तो प्यार का सबसे पहला जो मतलब किंग ऑफ रसाज है, दैट इज श्रृंगार। उसके बाद सेकंड आता है हास्य रस, लाफ्टर, जो एक स्माइल से लेकर ठहाके से लोटपोट होकर गिरने तक की सिचुएशन होती है, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। फिर आता है करुण रस। अभी मैं सिर्फ ब्रीफ दे रही हूँ, बाद में एक एक रस के ऊपर हमें काम करना है। फिर आता है करुण रस। करुण होता है कि कंपैशन, काइंड हार्टेडनेस या पिटी। इस पिटी में आपकी सेल्फ पिटी भी होती है और दूसरे के ऊपर दया भी आ जाती है। ठीक है, मतलब आपका अगर दिल बहुत कमज़ोर है, किसी का दुख देखकर भी आपको दुख हो जाता है, तो वो सारा करुण रस में आ जाता है। फिर है रौद्र रस, एंगर, गुस्से, मतलब हल्के गुस्से से लेकर मार काट तक के गुस्सा, सारा रौद्र रस में आता है। वीर रस, ये करेज को दिखाता है, आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब वीर रस में आता है। फिर आता है भयानक रस। भयानक रस होता है आपका डर, किसी अनहोनी को घटने का डर, ख्याल से डर, पिक्चर देखकर डर, कोई चीज़ देखकर डर, कोई चीज़ सोचकर डर, कोई चीज़ कहकर डर, सब इसके अंदर आ जाता है। कुछ महसूस करके डर, हर तरीके का डर इसमें आता है। फिर आता है आपका विभत्स रस, डिस्गस्ट, जो आप हल्की से गंदगी से लेकर जितना आप इमेजिन कर सकते हैं गंदगी की हाइट को, वो सारा इसमें विभत्स रस में आता है। और विभत्स रस की खासियत ये है, जैसे श्रृंगार रस इस राजा, रसों का राजा, विभत्स रस इज प्रोहिबिटेड ऑन स्टेज। एक्सेप्शनल केसेस में विभत्स रस को करने की आज्ञा आपको मिलती है, वरना विभत्स रस टोटली बैंड है, आप नहीं दिखा सकते विभत्स रस। उसकी वजह मैं तब बताऊंगी जब मैं आपको विभत्स रस करवाऊंगी। अद्भुत रस, वंडर, जो अनएक्सपेक्टेड चीज से होता है, किसी भी टाइप का हल्का सा वंडर, अरे मेरे 90% मार्क्स आ गए, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ से लेकर, हल्के से लेकर जो बहुत बड़ा, बड़े बड़े आश्चर्य हैं, वो सारे आपके अद्भुत रस में आ जाते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शांत रस।
पीस, ट्रैंक्विलिटी, कूल, काम, कंपोज टाइप का, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये था आपको छोटा सा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन। नाउ श्रृंगार रस, ठीक है, में आपने उसको दोबारा से जिया है, ऐसे में आपको आपकी बॉडी में क्या चेंजेस लगे, आपके फेस में क्या चेंजेस लगे, आपको अंदर से कैसा फील हुआ, दिमागी तौर पे आपको क्या लगा, आई वॉन्ट टू नो दिस। पहली बात तो ये कि अपने आप ही खिल गया चेहरा। अपने आप ही खिल गया चेहरा, ओके। अच्छा, वही तुम्हें लगे ऐसे कि वही एक्सप्रेशन अभी भी आए आपको उस वक्त एक्चुअल में दिख रहा था। हाँ, और जब आपने इसमें कैमरा में देखा, जब मैंने कहा अब आप उसे खुली आंखों से देखने की कोशिश करो, वर यू एबल टू सी दैट? उस टाइम पे आई वाज एबल टू सी मायसेल्फ एंड दैट पर्सन बोथ। अच्छा, बोथ, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। आई कुड सी स्माइल ऑन आनंद फेस, जो कि हंसी आ रही थी। तो अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? नहीं, अच्छा लग रहा था वो। और क्या महसूस क्या हो रहा था आपको अंदर से, सिर्फ एक हंसी के अलावा और क्या महसूस हो रहा था? मतलब वो हंसी कौन से टाइप की थी? नहीं, एक तो होती है हंसी किसी का मजाक उड़ा के हंसी, ये कौन सी वाली हंसी? इसको नहीं, अगर वो अंदर से जो खुशी होती है ना, जो एक एक्सपीरियंस होता है हंसी वाला, खुशी वाला, वो अंदर से जो होती है, वो सेम वही पिक्चर मेरी आंखों की पुतलियों के ऊपर चल रही थी, जो मैंने कभी एक टाइम पे जो मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह जिसको मैं याद कर रहा था, तो सेम वही पिक्चर मेरी आंखें बंद करके मेरी पुतलियों के ऊपर वही ऐसे लग रहा था जैसे रिवाइंड कर वैसे ही लग रहा था। ओके, और उसमें आपको अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? मुझे बॉडी पे जैसे कोई खुशी होती है ना, हंसी होती है, तो बॉडी बहुत एकदम लाइट हो जाती है। लाइट हो जाती है, और जैसे कोई डर होता है तो होता है एकदम भारी। पहले के दिन ही याद आ गए, पहले के दिन याद है, मजा आ रहा था। पहली दुनिया में चले गए। और आपको बॉडी पे कैसा महसूस हुआ, चेहरे के ये सारी मसल्स वगैरह पे क्या महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ओके। चलो विभू, आप बताओ। थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा बुरा भी लगा। बुरा क्यों लगा भाई? बुरा चोइस लगा कि जब वो मतलब होता है वो इंसान तो अच्छा लगता, फिर नहीं होता तो बुरा ही लगता। हाँ, तो डोगी था मैं, रोने लगे थे तो उसके वो अच्छा नहीं, बल लेकिन वो जो आपके अच्छे क्षण थे, अब जो है प्यार में तो दो टाइप का होता है ना, संयोग और वियोग, दो टाइप का होता है, दोनों ही श्रृंगार के ही पार्ट्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब संयोग और वियोग। तो आपको दोनों ही याद आ गए इंस्टेड ऑफ वन, बाकियों को सबको एक एक ही याद आया, आपको दोनों आ गए। ठीक कि लॉस्ट जैसा एक वो विरह वाली चीज़, करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आपके चेहरे पर एक हल्की स्माइल होती है, अंदर से खुशी का एहसास होता है, और आपका हर एक मसल बहुत लाइट फील कराती है आपको, आपकी बॉडी भी लाइट सी फील होती है,
रिलैक्स मोड में होती है, थोड़ी दिल की धड़कनें हल्की सी बढ़ी हुई सी होती हैं। बच्चों का ऐसा होता है कि ये एक दो दिन का मैटर नहीं होता है, ये हमें कई कई महीनों तक एक एक रस की सिद्धि में लग जाता है। इसकी हमें डेली बेसिस पर प्रैक्टिस घंटों घंटों करनी पड़ती है, उसके बाद हम एक एक रस पे कंट्रोल पा सकते हैं। आप जब चाहोगे आप उस रस की अभिव्यक्ति कर सकते हो, उसे पहले महसूस करोगे और फिर उसके बाद आप उसकी अभिव्यक्ति करोगे। जब मैं कोई चीज़ अंदर से महसूस करती हूँ तभी मैं किसी और को, सामने वाले को, वो महसूस करवा पाती हूँ। आगे मूव ऑन होते हैं, हमारा नेक्स्ट रस है, कौन सा रस बताया था अगला? हास्य रस। इसमें से हल्की स्माइल से लेकर ठहाके मार के लोटपोट होके गिरने तक का, और हमारी हरकत की वजह से किसी दूसरे को हंसी आने तक का। एक तो है मुझे हंसी आ रही है और एक है कि मेरी वजह से किसी और को हंसी आ रही है। इस रस में ये सब कुछ आ जाता है, आपकी अपनी स्माइल से लेकर दूसरे के ऊपर मजाक उड़ाना या आपकी वजह से किसी और को हंसी आना, ये सब कुछ हास्य रस में आ जाता है। हाँ बताओ है, दर्द हुआ, हंसने से दर्द हो गया। ओके हाँ, पूरा मुंह दुख गया। पापा भी चले गए थे, मैं उठे उन्हें उठाने के बजाय, बल्कि मैं उनके साथ ही गिर गया था। पापा भी चल गए और मैं उनके साथ ही जा रहा था। मतलब ये उन पे भी हंसी हो गई और ये एपिसोड दोनों का कंबाइंड हो गया। मतलब ये उनके ऊपर गिरने पे भी हंसा और खुद गिरकर भी खुद ही हंसा। बताओ मेरे को तो वो जो हंसी आती है वो ही आई थी। वो ही चीज महसूस करने के बाद वो इतनी आती है, वो ही आई थी। तो हाँ बहुत ही कोटा ना उसका वो राशनिंग है। और हास्य रस में जो आपका चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं उस पे आ जाते हैं, मसल्स पे फटाफट इसको, उसमें आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, हल्के हल्के रिंकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, चीक्स ऊपर को आ जाते हैं, फैल जाते हैं, लिप्स हल्के खुल जाते हैं, कई बार दांत नज़र आते हैं, और ये जो फेस है इसमें एक चमक सी आ जाती है, आंखों में एक चमक सी आती है। के दो रसास कंप्लीट हो गए, कौन कौन से? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस और हास्य रस, और हास्य रस। ठीक है, अब सो डन फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, बी हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग। So bye, good night.